रतलाम जिले के जावरा नगर के रेलवे फाटक समीप संचालित होने वाले संग्राम फोटो ऑनलाइन सेंटर के संचालक ने हाई स्कूल व हाई सेकेंडरी स्कूल के करीब 200 से ज्यादा छात्र छात्राओं से रुपए लेकर उनके प्राइवेट परीक्षा आवेदन ऑनलाइन जमा नहीं करवाए। जब बुधवार को बच्चे अपने प्रवेश पत्र निकलवाने पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनके एडमिट कार्ड तो जनरेट हुए ही नहीं है, जिस पर विद्यार्थियों ने सेंटर पर हंगामा कर दिया। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की हाई स्कूल व हाई सेकेंडरी की परीक्षा मार्च में प्रारंभ हो रही है। प्रवेश पत्र नहीं मिलने से 200 विद्यार्थियों का भविष्य इस साल खराब हो गया है। एडमिट कार्ड नहीं मिलने पर कई बच्चे रोते हुए शहर थाने पहुंचे और सेंटर संचालक के विरुद्ध आवेदन दिया गया, जिसके चलते शहर के थाना प्रभारी श्याम चंद्र शर्मा ने सेंटर पर कार्यवाही की। स्टूडेंट का फॉर्म भरा था जिससे हमारा एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है, इसने फॉर्म डाला है कि किसके यहाँ भरा था? संग्राम फोटो स्टूडियो। अच्छा, कितने रुपए लिए थे उन्होंने? उसने 1500 रुपए लिए। अच्छा, कितने बच्चे है टोटल? 192। किसी का भी नहीं निकल रहा एडमिट कार्ड? एक का भी नहीं निकला। आपकी बात हुई उन लोगों से, क्या क्या बोला है वो? तो आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, ऐसे बना रहा हूं। अभी बात हुई आज? आज तो नहीं हुई। आपने कहीं शिकायत करी? थाने में कम्प्लेन कर। देखिए, कल हमारे पास 25-30 बच्चे आए जिन्होंने बताया कि उन्होंने 10th, कुछ बच्चे 10th के, कुछ 12th के, जिन्होंने इस संग्राम फोटो स्टेट की जो दुकान है संग्राम सिंह रघुवंशी की, इसके ऑनलाइन फॉर्म 10th क्लास के प्राइवेट जमा करवाए थे, जिसमें बच्चों ने किसी ने 1100, किसी से 1200 रुपए लिए इसके द्वारा, और वो फॉर्म इसने ऑनलाइन फ्यूचर स्कूल के नाम से भरे, परंतु स्कूल में ना ही फीस जमा की इन बच्चों की और ना ही वेरीफाई कराया उनके डॉक्यूमेंट्स। इस आधार पे बच्चों के फॉर्म जो रिजेक्ट हुए हैं, और करीब इसमें 93 बच्चे 10th क्लास के हैं और 108 बच्चे 12th क्लास के हैं, ऐसी भी जानकारी मिली है। इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है, और अभी जो संग्राम सिंह रघुवंशी, इसको अपन ने पूछताछ के लिए थाने पर रखा, पूछताछ कर रहा है। सभी मामला दर्ज नहीं हुए? हाँ, मामला दर्ज किया जा रहा है, इसमें सभी बच्चों से पूछताछ की जा रही है, और इससे जो नाबालिग है संग्राम सिंह, इसको भी पुलिस कस्टडी में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। सर, फॉर्म एक ही स्कूल के भरे गए थे सभी? अभी ये पूरा मैटर सामने नहीं आया, इसीलिए इन बच्चों से पूछताछ की जा रही है किस बच्चे ने किस स्कूल के नाम से प्राइवेट फॉर्म डाला है, इसके द्वारा डलवाया गया।